दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती गरीबों की मदद करने में, लोगों की मदद करने में बहुत ही आगे रहते हैं और आए दिन उनकी कोई ना कोई खबरें इस तरह से हम सब के बीच आ भी जाती हैं। और ख़ासकर हमारे चैनल पर तो आपको मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट मिलती रहती है। और आप सबकी इस प्यार के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ भाई कि आप सब लोग मिथुन दा को इतना प्यार देते हैं कि आप मिथुन दा के हर एक वीडियो को पसंद करते हैं। और आप सबसे यही गुजारिश है कि आप मिथुन दा को ऐसे ही प्यार दें और उनके जो बच्चे फिल्मों में आने वाले हैं वो भी आगे बढ़ें। अब एक जो नई खबर आ रही है वो सामने आ रही है कि मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर से गरीबों की मदद करने के लिए सामने आए हैं और उसमें हिस्सा लिए हैं। हर गुरुवार को जमशेदपुर में हर एक गुरुवार को शाह बाबा के मजार में दर्शन करने पहुंचते हैं जुगसलाई विधायक मंगल कलंदी, जिन्होंने एक बार फिर शाह बाबा के मजार में दर्शन करने के लिए पहुंचे और वहां पर उन्होंने सोचा कि गरीबों को उनके ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए चुना जाए, क्योंकि ठंड इतनी तेज पड़ रही है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सबको कंबल बांट दिया जाए। और कंबल वितरण करने में ये सबसे आगे हो चुके हैं और इनके साथ नजर आए मिथुन चक्रवर्ती भी। विधायक मंगल कालिंदी ने मजार कैप्शन में इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए उपस्थित जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया और इस वितरण में मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल रहे। मिथुन चक्रवर्ती के साथ मंगल कालिंदी ने मिलकर गरीबों को कंबल बांटा। वहीं कालिंदी ने कहा कि चुना साहब बाबा के आशीर्वाद से ही लोगों की सेवा करने का हमें मौका मिला है। साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने भी यही बात कहा कि ऊपर वाले की दुआ और फैंस के प्यार है जो हमें इन चीज़ों को करने का मौका मिल रहा है, गरीबों की मदद करने का पूरा पूरा मौका मिल रहा है और हम इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मिथुन चक्रवर्ती के साथ मिलकर कालिंदी ने सभी गरीबों को, जरूरतमंदों को कंबल बांटा है और यह चीज़ सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश हुए। मिथुन चक्रवर्ती और विधायक मंगल कालिंदी के साथ साथ ऐसे और भी कुछ राजनीतिक लोग थे जिन्होंने कंबल वितरण में हिस्सा लिया है। ऐसे बहुत से नाम हैं जो इस कंबल वितरण में सामने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर गरीबों के हित के लिए, गरीबों की मदद के लिए आगे आए हैं।